ये है फ्रेश ग्रीन चना, ये कुछ इसमें से फोल्ड के ये फ्रेश चना निकलता है इसमें से। इसकी सब्जी बड़ी टेस्टी लगती है, मैं बहुत ही जल्द शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये रेड चिल्ली भी आ गई है, देखी थी मैंने मार्केट में, तो इससे भी एक बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी। एंड इवन इसका अचार भी बहुत ही अच्छा लगता है, तो फिलहाल मैं सिर्फ इसकी चटनी बनाऊंगी, उसके बाद मैं अचार के लिए और लेकर आऊंगी। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, सॉरी गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका मॉम स्टूडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे एंड अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं इवनिंग से व्लॉग चालू कर रही हूँ और ये है मेरी कोल्ड कॉफ़ी। मैंने यहाँ पे आने के बाद घर पे पहली बार कॉफ़ी बनाई है, क्योंकि यहाँ का जो मिल्क है वो मुझे सूट नहीं करता है, तो आज मैंने रिस्क लिया है। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड आज मैंने एक्चुअली व्लॉग नहीं बनाना था, मगर फिर अभी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनाने जा रही हूँ। आपने अभी आगे के क्लिप में देखा कि मैंने बहुत सारी हरी सब्जियाँ लेकर आई हूँ, तो वो सारी सब्जियाँ अभी यूज़ करनी है। तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाती हूँ। तो आज मैंने बेबी पोटैटोज़ बॉयल करने के लिए रखे हैं, तो उसकी एक चीज़ बनाने वाली हूँ। उसके बाद ब्रेड रखी हुई है, तो ब्रेड का कुछ बनेगा। एंड राइस भी रखे हुए हैं लेफ्ट ओवर, तो उसका भी कुछ बनेगा। एंड सूप बनाने का सोचा है, तो सूप भी बनेगा। तो बहुत सी अलग अलग चीज़ें आज बनने वाली है। एंड उसके बाद अगर मुझे टाइम हुआ तो चटनी की रेसिपी पे मैं शेयर करूँगी। सो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आज आने वाली है, सो स्टे ट्यून टू मॉम स्टूडियो। एंड अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, अब बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो फटाफट से काम पे लगते हैं। एंड पहले मैं अपनी कॉफ़ी ख़त्म करती हूँ, उसके बाद फटाफट से काम पे लगते हैं, क्योंकि बनाते बनाते टाइम तो लग ही जाएगा। और उसके बाद यस बर्तन, एंड ठंडी इतनी है, पानी इतना ठंडा आता है, तो बर्तन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, क्योंकि मुझे गर्म पानी से नहाना, गर्म पानी से बर्तन करना वो ज़्यादा पसंद है। मैं मस्कट में थी तब भी, इवन समर में भी मुझे गर्म पानी चाहिए था, मगर यहाँ पे आके थोड़ा रूटीन चेंज हो रहा है मेरा, आई एम गेटिंग यूज टू कोल्ड वाटर। तो चलिए, अब बातें बहुत हो गई है एंड चलते हैं एंड खाना बनाना शुरू करें। रहे हैं, पहले आई थिंक सूप बनाएंगे, उसके बाद बेबी पोटैटोस का बनाएंगे, राइस बनाएंगे। तो जैसे जैसे तैयारी होगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर करूँगी। पीछे आप देख सकते हैं मेथी को साफ हो रही है, मेथी साफ हो रही है, और मैंने बेबी पोटैटोस को बॉईल किया है। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, नमक डाल के सिर्फ 2 विसल करनी है, क्योंकि उसके बाद हमको फ्राई करना है, तो एकदम से फुल बॉईल नहीं करना है, अराउंड 80-90% इतना ही बॉईल करना है। देखिए, तो अब मैं इसको पील करके ठंडा होने के लिए रख दूंगी और उसके बाद फ्राई करेंगे एंड देन आगे की प्रोसेस करेंगे। एंड यहाँ पे राइस बचे हुए हैं दोपहर के, तो वो मैं यूज़ करूँगी। एंड ये ब्रेड है, तो वो भी मैं यूज़ करूँगी, तो जैसे जैसे अभी बनेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम लोग वेजिटेबल स्टॉक बनाएंगे। हम लोग बनाने जा रहे हैं वेज क्लियर सूप, तो उसके लिए वेजिटेबल स्टॉक बनाएंगे। इसमें पानी ले लिया है एंड सारे वेजिटेबल्स मैं इसमें डाल दूँगी, उसके बाद बॉयल करेंगे एंड देन आगे की प्रोसेस करेंगे।
वेजिटेबल स्टॉक के लिए आपको एकदम परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी वेजिटेबल्स अपने टेस्ट के हिसाब से लगा ना डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो ये देखिए, मैंने सारे वेजिटेबल्स जो घर में अवेलेबल थे वो सारे इसमें डाल दिए हैं। उसके बाद इसको बॉईल करेंगे। जब तक हमारा स्टॉक बन रहा है, मैं वहाँ पे पोटैटोज है वो पील कर दूंगी एंड फ्राई कर लूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं नेक्स्ट। पे थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च मैंने लगा दिया है ताकि ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना इट्स टोटली ऑप्शनल। और यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स कट ये डाइस कर लिए हैं। ये सारे जाएंगे हमारे सूप में। एंड वहाँ पे बेबी पोटैटोस फ्राई हो रहे हैं, तो ये सारे वेजिटेबल्स जाएंगे सूप में। कैरेट है, अनियन है, बीन्स, मेरे पास इतना ही था तो मैंने बीन्स है, कैबेज है। आप चाहे तो इवन और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, मगर मैंने ये छोटे छोटे डाइस किए हैं ताकि बच्चे आसानी से खा सकें। तो अभी ये और हमारा स्टॉक बन चुका है। और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ बटर स्टॉक डाला है, बटर डाला है, नमक डाला है, थोड़ा सा विनेगर डाला है एंड ब्लैक पेपर, दैट्स इट। और वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद थिकनिंग एजेंट मैं डालूँगी, अपना कॉर्नस्टार्च से थोड़ा थिक कर दूँगी, दैट्स इट। और हमारा सूप बनके तैयार हो जाएगा। इसमें जो भी तीखापन आएगा ना वो ब्लैक पेपर से आएगा।
और ये देख सकते हैं कि हमारा सूप बनके तैयार है। ये बच्चों को बहुत पसंद है तो मैं ये बनाती हूँ। हेल्दी भी है क्योंकि सारे वेजिटेबल्स आप इसमें डाल सकते हैं। तीखा भी इतना नहीं होता है ये, क्योंकि इसमें और कोई भी कुछ भी और नहीं जाता है, ओनली ब्लैक पेपर सॉल्ट, तो वही है। एंड बहुत हेल्दी सूप है और फट से बन के तैयार हो जाता है और एकदम थिक भी नहीं होता है। ये कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थिक चाहिए तो थिक, ऐसे वाटरी चाहिए तो ऐसे वाटरी। मेरे घर में ऐसे वाटरी वाला पसंद है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये मेरा वर्जन था क्लेवेज क्लियर सूप का, बहुत टेस्टी लगता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। एंड वहाँ पे हमारे आलू भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं, तो पहले सूप पियेंगे उसके बाद स्टार्टर आलू दो दे दूंगी। और ये हमारा यम्मी सा सूप बनके तैयार है। गर्मा गर्म ठंडियों में ये सूप बहुत अच्छा लगता है, गिव इट अ ट्राई, बहुत टेस्टी लगता है। Thank you.
और ये है हमारे पोटैटोस तैयार, चिल्ली गार्लिक पोटैटोस। दिस इज़ द बेस्ट स्टार्टर एंड ये बेबी पोटैटोस तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं यहाँ पे। गरम लागे वेदु, हाउ इज द सूप? नाइस। हमारे बनन बेबी आ गई। फॉर दिस सूप आई गिव इट टू मी 50 मिलियन एंड फॉर दिस आई गिव इट 100 मिलियन। This girl is burning my teeth down. Yummy.